बसपा में शामिल हुए बीजेपी के बड़े नेता भाजपा को लगा तगड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश में सियासी माहौल पूरी तरीके से छाया हुआ है और इस सियासी माहौल में तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता है वो कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर निकल कर आ रही है बस्ती लोकसभा सीट से, जहां पर बीजेपी के बड़े नेता पूर्व जिलाध्यक्ष इन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। दयाशंकर मिश्र लगातार बीजेपी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के जरिए जो उपेक्षा की जा रही है, इनकी नाराजगी अब काफी लंबे समय से बताई जा रही है, जिसके चलते अब उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और बहुजन समाज पार्टी के हाथी की सवारी करना शुरू कर दी है। सूत्र के हवाले से खबर यह भी निकल कर आ रही है कि बस्ती लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के जरिए दयाशंकर मिश्र इनको बस्ती लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी बनाया जा सकता है। और ये भी कहने के हवाले से, सूत्र के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि बीजेपी के कई ऐसे बड़े नेता है वो दयाशंकर मिश्र इनके समर्थन में अब कहने के समय के मुताबिक देखे जा सकते हैं। यहां तक कि यह भी बताया जा रहा है कि दयाशंकर मिश्र जिस तरीके से अब बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं और मजबूत दावेदारी भी इनकी कहने की बहुजन समाज पार्टी से देखी जा सकती है। वर्तमान में इस वक्त जो बस्ती लोकसभा सीट से जो सांसद है, मैं नाम बता दूं कि हरीश द्विवेदी, ये की वर्तमान में बीजेपी से सांसद, इसके साथ साथ राम प्रसाद चौधरी ये पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी से है। और यहां पर अगर बहुजन समाज पार्टी दयाशंकर मिश्र इनको अपना प्रत्याशी बना देती है तो त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा और बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें यहां से साबित हो सकती है। जिस तरीके से लगातार बस्ती लोकसभा सीट पर जो जातीय समीकरण है वो जातीय समीकरण अब ब्राह्मण बना ब्राह्मण ही कहने के होगा, और ऐसे में ये जो सीट है वो कहने के बहुजन समाज पार्टी के पाले में आ सकती है। यहां तक ये भी बताया जा रहा है कि दयाशंकर मिश्र इनका जो काम वो जमीनी स्तर पर काफी ज्यादा मजबूत है, और जो मोदी की लहर 2014 में देखी गई, जिसके कारण भले ही 2014 में जो सीट जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के पाले में ना आ पाई, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस सीट पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश की है, लेकिन 2019 में बरकरार रहा, लेकिन अब 2024 के लिए तमाम जो तस्वीरें पूरी तरीके से बदल चुकी है। ऐसे में अगर ब्राह्मण जो वोटर है और इसके साथ साथ ओबीसी और मुस्लिम वोटर ये कहने के एकजुट हो जाता है तो बहुजन समाज पार्टी के लिए सीट निकालना जीतना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इस पूरे के पूरे खबर को लेकर आपकी क्या राय है? दयाशंकर मिश्र इन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है और कहीं ना कहीं लोकसभा बस्ती से कहने के बहुजन समाज पार्टी के लिए दावेदारी भी इनकी हो सकती है, इस पूरी की पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बनेर नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।